वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो जैसा कि इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वी हैव स्टार्टेड द जेनेटिक्स. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. लाइक कि जैसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, उसमें हमने जो वो जीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी. What was the principle of inheritance? Inheritance means heredity as well as the variation. What do you mean by the inheritance? And inheritance का मतलब है heredity and variations. Heredity हो जाए फिर variations हो. What is the heredity as well as the variations? Heredity है the transfer of the character from the parents to the offspring is called as the heredity. And the transfer of the characters from the parents to the offspring, those character which does not transfer from the parents to the offspring is called as the variations. तो last lecture में हमने यही पढ़ा था कि चाहे heredity हो चाहे variations हो, but what is the reason behind that? That the answer was the gene as well as the chromosomal. The chromosomal theory of inheritance पढ़ ली हमने, gene theory of inheritance पढ़ ली. So now we are discussing कि व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में यानी कि हेरिडिटी में अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब वो करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, जहां पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करेक्टर ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो उसके पीछे मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है? व्हाट आर द रोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स तो तीन ही है. फर्स्ट वन इज द डीएनए, सेकेंड वन इज द आरएनए, प्रोटीन्स. डीएनए आरएनए इन तीन मॉलिक्यूल्स का हेरिडिटी और वेरिएशंस में क्या रोल है, व्हाट इज द रोल? तो वन बाय वन हमने डीएनए के बारे में पढ़ना है, डीएनए की टाइप्स पढ़नी है, डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़नी है, आरएनए पढ़नी है, आरएनए की टाइप्स पढ़नी है, उसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है. How DNA is formed, how RNA is formed, how protein is formed. As सभी को पता है, जैसे level 0 और level 1 की बात करें, तो DNA से this process the formation of the DNA, जो DNA से RNA बनना, mRNA बनना और mRNA से protein बनना, ये सभी को पता ही है. तो this is the symbol of this chapter. This is the symbol which is denoting this chapter. तो हमने क्या करना है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, ये है इस चैप्टर का सिनेरियो. दिस इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डीएनए. डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी. तो पहले तो डीएनए ही बनेगा, डीएनए से पहले डीएनए ही बनेगा. द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा. If we talk about the questions in the NEET from this chapter, तो probably 3 to 4 questions will be from this chapter. So it is a very very star point important chapter. You have to go through very deeply with this chapter because the chapter थोड़ा सा easy है. तो level 1 और level 2 के questions ही आएंगे, level 0 के questions कम chances है. DNA से mRNA, mRNA से protein बनना. DNA से DNA process is called as the replication. The formation of the DNA from the DNA is called as the replication. Replication. And mRNA से DNA से mRNA बनना, the process is called as the transcription. Transcription. And mRNA से protein बनना, this process is called as a translation. Question, इस topic का question क्या आएगा? क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है कि हु हैज डिस्कवर्ड द, हु हैज प्रपोज्ड द सेंट्रल डॉगमा. तो दैट वाज द क्रिक. क्रिक ने ही इसको जब वो प्रपोज किया. बट एक और चीज आई इसमें, देयर इज आल्सो इन केस ऑफ द वायरसेस द प्रोसेस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? बोलता कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है, डीएनए से जो एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनना, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन. बट एमआरएनए से डीएनए बनना क्या है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं.
चार ऑप्शन दिए होंगे तो कभी कंफ्यूज मत होना, एमआरएनए से डीएनए नहीं बनता, एमआरएनए से इसलिए बनता है सीडीएनए, एमआरएनए से सीडीएनए बनना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन द केस ऑफ द वायरसेस, व्हेन द सम द रेट्रोवायरस ऑफ लाइक द अदर वायरसेस हैज बीन गेट एंटर इन योर बॉडी, देन वो अपने आप को हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो ऐसे जो वो नहीं काम करता जब से पहले, सबसे पहले क्योंकि जितने भी रेट्रो वायरस होते हैं तो उसमें जब वो कैपेबिलिटी होती है टू कन्वर्ट इनटू द डीएनए बिकॉज इट हैव द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से उसमें आरएनए से जो वो डीएनए में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए से सीडीएनए होता है, सीडीएनए से जो वो So, who has discovered question ये आता कि reverse transcription में the mRNA से cDNA बनाया, ये किसने discover किया, तो scientist का नाम that was the Temin, so Temin, this process is also called as a Teminism, the process of the formation of the cDNA from the RNA or reverse transcription was given by the Temin scientist named Temin, the process is also called as a Teminism। तो सेंट्रल डॉग्मा को ही हमने जो है वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन करना है कि डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगी। पहले तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें सबसे पहले डीएनए की कंपोजिशन क्या होती है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द डीएनए। तो कंपोजिशन की बात करें डीएनए को बनाने के लिए, डीएनए इज बेसिकली मेड अप बाय द इट्स न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एक होती है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस और तीसरा होता है फॉस्फेट। तो तीन कंपोनेंट होते हैं शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस साथ में फॉस्फोरिक एसिड। शुगर इसमें कौन सी होती है वो डिपेंड करता है कि वो डीएनए के जहां पर आरएनए है, इफ द डीएनए अगर राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है तो देन द शुगर विल बी द डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, अगर आरएनए है तो शुगर इसमें जो होगी वो दैट विल बी द राइबोस, न्यूक्लिक एसिड जो वो सॉरी नाइट्रोजन बेस है वो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज ए नाइट्रोजन बेस इज ए प्यूरीन, सेकंड वन इज पिरिमिडीन, प्यूरीन में एडेनिन और गुआनिन, सीटीयू चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनिट्स, साइटोसिन थायमिन प्यूरोसिल, ये थोड़ा टेक्निक का सीटीयू से याद रखना आप लोग, पिरिमिडीन में सीटीयू, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन प्यूरोसिल फॉस्फेट प्रेजेंट होते ही है। अब क्वेश्चन इसमें से लिंकेज का क्वेश्चन पॉसिबल है, तो लिंकेज का क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि जो आप ये चीज बना रहे हो कि एक न्यूक्लियोटाइड बेसिकली होता क्या, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, व्हाट इज अ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस मेनी न्यूक्लियोटाइड विल कंबाइन टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डैश बॉन्ड फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड, कितने सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ डैश बॉन्ड। पहला क्वेश्चन आपका ए वन न्यूक्लियोटाइड विद लिंक्ड विद द अदर न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ डैश बॉन्ड, देन आंसर विल बी द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड है फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड। अब न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप बाय, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप बाय न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस साथ में फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप बाय, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप बाय शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस जो आगे दो तरह के होते हैं वो कोई भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी था। तो ये इस लिहाज पे वो बोलता है कि जो शुगर है, शुगर जब वो फॉस्फेट, शुगर के साथ जो फॉस्फेट जो जुड़ा हुआ है इसके बीच में लिंकेज कौन सी है, व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन द शुगर एज वेल एज द फॉस्फेट, इसके बीच में बॉन्ड कौन सी है, देन आंसर विल बी द फॉस्फो
डाइएस्टर। तो ये लिंकेज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंकेज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कीप इन माइंड ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो शुगर के साथ जो नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, द बॉन्ड बिटवीन द शुगर एज वेल एज नाइट्रोजन बेस इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दो नाइट्रोजन, क्योंकि डीएनए बीइंग अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो इट हैज अ टू स्ट्रैंड, फर्स्ट वन इज द 5' एंड सेकंड वन इज द 3', 5' टू 3', एंड दूसरा है 3' टू 5', एंड बट दो बोथ आर जो वो कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंटीपैरेलल टू द ईच अदर, एंटी जो कॉम्प्लीमेंट्री टू द ईच अदर। तो दोनों के दोनों स्टैंड कौन सी बॉन्ड के साथ आपस में अटैच होता है, जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट वॉटसन ये डीएनए की स्ट्रक्चर स्पाइरल भी होती है, राउंड भी होती है, लीनियर भी। एक होता है 5' टू 3', एंड दूसरा होता है 3' टू 5', एंड 5' टू 3', एंड दूसरा 3' टू 5', एंड ठीक है। तो बेसिकली ये सर्कुलर मोस्टली जो प्लाज्मिड होता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा है, सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो दो ये स्टैंड है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसी की ये लीनियर स्ट्रक्चर है, अगर इसको लीनियर करोगे तो इसमें भी फॉर्म लाइक है दिस। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी जो बैकबोन होती है दैट इज मेड अप बाय डैश एज वेल एज द डैश, ये जो बैकबोन है दिस इज मेड अप बाय शुगर फॉस्फेट। अब ये जो बीच में ए एक स्टैंड होगा, बीच में नाइट्रोजन बेस लगे हुए, फॉर एग्जांपल ए टी जी सी टी सी जी टी ए के ऊपर कंप्लीमेंट्री होता है, इट विल ए विल ऑलवेज बाइंड विद द टी एंड टी विल ऑलवेज बाइंड विद द ए, जी विल ऑलवेज बाइंड विद द सी एंड सी विल ऑलवेज बाइंड विद द जी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एक स्टैंड है ये दूसरा स्टैंड है, तो क्या इनके बीच में आपस में कोई बॉन्ड तो होगी ना, ये वाली बॉन्ड का नाम बताइए। इसके बीच में जो बॉन्ड होती है व्हेन द टू स्टैंड विल टू बी अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ डैश बॉन्ड, द आंसर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन के बीच में जो वो डबल हेलिक जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो लिंकेज आपके क्वेश्चन इसमें से हो गया ऑलमोस्ट कि शुगर एक, तो क्या क्या क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपका ये होगा कि शुगर जो है मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फेट के साथ जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट एस्टर, शुगर जो वो नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ी होती है दैट इज ए ग्लाइकोसिडिक, और जो एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। सर जैसे कि बायो मॉलिक्यूल में भी एक बार मैं आपको रिकैप करवा दूं कि दो शुगर आपस में जो जुड़ते हैं वो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, दो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ डैश बॉन्ड, इसमें बॉन्ड कौन सी होती है, पेप्टाइड बॉन्ड। और जो वन मॉलिक्यूल ऑफ जो वो ग्लिसरॉल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल प्लस थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, बॉन्ड कौन सी होती है बीच में, दिस इज ए एस्टर बॉन्ड। लिपिड के बीच में जो बॉन्ड होती है वो एस्टर बॉन्ड होती है, प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होती है वो डाइपेप्टाइड बॉन्ड होती है, और न्यूक्लिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड होती है वो फॉस्फोडाइस्टर होती है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होती है वो फॉस्फोडाइस्टर होती है। तो वॉटसन क्रिक मॉडल वाज गिवन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डीएनए है, डीएनए की टाइप क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, कॉइल होती है, वॉटसन वाज गिवन द मॉडल स्पाइरली कॉइल जो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मॉडल किसने एक्सप्लेन किया, तो क्वेश्चन ये भी आता है, तो ये दिस इज वेरी लो लेवल क्वेश्चन की डीएनए का जो स्ट्रक्चर डबल हेलिक का स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन बाय द वॉटसन एज वेल एज द क्रिक। ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने दोनों ने जब इसकी जब स्टडी की थी और इसको जब वो प्रेजेंट किया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, दो हेलिकल स्टैंड होते हैं, फर्स्ट वन इज द 5' टू एंड 3', एंड सेकंड वन इज द 3' टू 5', एंड व्हेन दो बोथ स्टैंड्स आर टू बी जो कॉम्प्लीमेंट्री टू द ईच अदर विद द एडेनिन विद द थायमिन एज वेल एज द गुआनिन विद द साइटोसिन विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दो स्टैंड वाले हुए हैं। तो डीएनए की इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डीएनए,
टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डीएनए, तो डीएनए के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक एडीएनए हो गया, बीडीएनए हो गया, सीडीएनए हो गया, डीडीएनए हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज द जेडडीएनए हो गया। ठीक है, ए और बी के बीच में 10 नाइट्रोजन बेस की जो पिच होती है, सी में जो वो 9 होती है, डी में 8 होते हैं, इसमें 12 बेस पेयर होते हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। जो इसने एक्सप्लेन किया, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने किया, इसने बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो वो एक्सप्लेन की, जिसमें जो वो वन पिच कंटेन 10 नाइट्रोजन बेस, वन पिच कंटेन्स 10 नाइट्रोजन बेस। वो बोलता है कि ये जो एक कॉइल होती है ना, एक लूप होता है, हर एक लूप के बीच में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4। ठीक है, देयर आर टोटल 4 नाइट्रोजन बेस इन ईच लूप, तो एक टर्न के अंदर 4 जो है वो नाइट्रोजन बेस होते हैं। इसमें एडेनिन है, थायमिन के साथ जुड़ा है, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा है, थायमिन एडेनिन के साथ जुड़ा है, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा। तो वो बोलता है कि ईच वन पिच, इसने जब इसको पूरा डिस्कवर किया तो एक टर्न के वन पिच कंटेन 2.5 टर्न होते हैं, इसमें 2.5 टर्न। तो वो बोलता पिच की लेंथ कितनी हुई, बोलता दो नाइट्रोजन के बीच में डिस्टेंस है, जो दो नाइट्रोजन के बीच में डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर, और दो नाइट्रोजन के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रम होता है, तो एक पिच के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस आते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 10 कर दो, दैट आंसर विल बी द 3.4 नैनोमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी हुई पिच की, 3.4 नैनोमीटर। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, नाइट्रोजन बेस के बीच में, दो नाइट्रोजन के बेस के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में भी ऐसा ही। तो ऐसे ही एक पिच की जो लेंथ होती है वो है 2.5 टर्न के बीच में कितने नाइट्रोजन बेस आ गए, एक के बीच में 4 आते हैं, दूसरे के बीच में 4 आ गए, तीसरा जो वो हाफ लेना उसका 2.5 ले लिया, तो इतनी जब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4, 4, 8 और 2, 10 हो गए, 10 नाइट्रोजन बेस है, एक का डिस्टेंस दिया हुआ, 10 का कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, टोटल लेंथ आ गई आपकी। ऑन द ऐसे ही जो एडीएनए है, बीडीएनए है, बीडीएनए एडीएनए की जो साइज है उसमें भी नाइट्रोजन बेस 10 होते हैं, सीडीएनए में जो वो एक पिच के अंदर 9 नाइट्रोजन बेस होते हैं, डी के अंदर जो वो 8 होते हैं, जेडडीएनए के अंदर जो वो 12 होते हैं। नीट में से क्वेश्चन कई बार पूछता है कि चारों डीएनए में से कौन सा जो वो लेफ्ट हैंडेड और कौन सा जो वो राइट हैंडेड है, तो लेफ्ट हैंडेड इज ओनली वन, दिस इज कॉल्ड एज द लेफ्ट हैंडेड, और राइट हैंड का मतलब है कि ओरिएंटेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंडेड जो है वो जेड डीएनए है, बाकी ए बी सी डी डीएनए जितने भी है वो सारे के सारे राइट हैंडेड है। ठीक है, अब इसी के अलावा जो इसमें एक चार का फूल का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको चार का फूल का भी आ सकता है। चार का फूल में क्या होगा, इट इज ए, इसकी कुछ कंडीशंस है, इट विल ऑलवेज इंप्लीमेंटेड ऑन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, चार्गव ने अपने नाम से ही जो एक रूल जो प्रोड्यूस किया, इसने बोला कि एक स्टैंड के अंदर जितने नंबर ऑफ जो वो एडेनिन होंगे उतने ही नंबर ऑफ थायमिन होते हैं, जितने ही नंबर ऑफ गुआनिन होंगे उतने ही नंबर ऑफ साइटोसिन होंगे, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। न्यूमेरिकल जो सॉल्व होंगे वो इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे सॉल्व नहीं होंगे, तो न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ एडेनिन एज एडेनिन और थायमिन गुआनिन एज वेल एज साइटोसिन। वो बोलता है चार का फूल के अकॉर्डिंगली आप कैसे जो वो फाइंड आउट करोगे, फॉर एग्जांपल कि जो वो आपको नाइट्रोजन बेस जो दिए हुए हैं, एक जो वो 100% नाइट्रोजन बेस में से वो बोलता है 17% जो है वो, फॉर एग्जाम्पल 13% जो है वो है थायमिन, थायमिन की वैल्यू दी गई 13%। वो बोलते व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द जी, गुआनिन की वैल्यू कितने परसेंट होएगी, बोलते जितना थायमिन होएगा उतना ही एडेनिन होएगा, तो थायमिन और 13 दिया हुआ, 13 + 13 विल गिव राइज़ टू 26 हो गया, तो बाकी कितना बचा कितना, 100 में से माइनस 26 कर दो तो बचा कितना वापस जो वो 74, तो दोनों का हुआ गुआनिन और साइटोसिन दोनों का हुआ, तो बट वो तो सिर्फ गुआनिन का पूछ रहा है, तो 74 डिवाइडेड बाई 2
it will be round about the 37. The 37 will be the answer. कि हमने वैसे भी बायोलॉजिकल में भी कर लिया था, तो इसके क्वेश्चन एक दो हमने उसमें भी कर लिए थे. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जो वो डाउट किसी को आता तो वो यू और शी कैन कॉन्टैक्ट टू मी. एडेनिन थायमिन का हो गया, चार का फूल हो गया. तो नेक्स्ट इज द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए. पैकेजिंग टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. पैकेजिंग ऑफ डीएनए का ये है, वैसे मोस्टली हमने इसको भी डिस्कस कर ही लिया था, सेल के पार्ट में भी हमने डिस्कस कर लिया था. पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है. डीएनए की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है. डीएनए जो होता है वो बोलता है, अगर इसकी लेंथ, अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन जीनोम की बात करें, तो वैल्यू विल बी, एक हैप्लॉइड की वैल्यू होती है 3.3 × 10⁻¹ बेस पेयर. डिप्लॉइड की बात होती है 6.4 × 10⁻¹ बेस पेयर, ये ह्यूमन जीनोम की वैल्यू है. तो टॉप ऑफ होता है कि डीएनए की अगर हम टोटल लेंथ अगर हमने फाइंड आउट कर दिए ना, तो डीएनए को अगर ह्यूमन बॉडी में से, टिश्यू में से जो आपको सेल नजर नहीं आता, तो डीएनए कहाँ से नजर आएगा? डीएनए इज टू बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल. इफ यू कांट सी द सेल, देन हाउ इट इज पॉसिबल यू कैन सी द डीएनए, राइट? तो डीएनए जो होता है वो नजर क्यों नहीं आता, बट बोलता स्टिल इफ यू आइसोलेट द डीएनए, देन यू कैन सी द डीएनए आल्सो ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस. इफ वी ले द होल डीएनए ऑन ए ग्राउंड, देन इट विल बी अराउंड अबाउट 2.2 meters. इट विल बी अराउंड अबाउट 2.2 meters. मतलब मल्टीप्लाई कर दो, जितने नाइट्रोजन बेस है, जितने भी नाइट्रोजन बेस है उसको 0.34 के साथ जो मल्टीप्लाई करवा दो, जितने भी नाइट्रोजन बेस है उसको मल्टीप्लाई करवा दो, दो के बीच में डिस्टेंस कितना हो इसको मल्टीप्लाई करवा दो, तो आंसर दे दीजिए 2.2 meters. नहीं समझ आया? अगर आपको दो डिस्टेंस पता है, तो ह्यूमन बॉडी का जो डिस्टेंस वो उसने वैल्यू बता दिए कि एडीएनए में तो इतने 10 नाइट्रोजन बेस होता है, बट ह्यूमन जीनोम की अगर बात करें तो उसमें 3.4 into हैप्लॉइड की बात करें तो 3.4 × 10⁻¹⁹ बेस पेयर होते हैं. अगर इतने बेस पेयर होते हैं तो बीच का डिस्टेंस पता, तो लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इट विल बी राउंड अबाउट 2.2 meters. आपने क्या करना, 3.4 × 3.3 जो भी है, 3.4 × 10⁻¹⁹ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय 0.34 nanometer, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.2 meters. इतनी बड़ी लेंथ है, डीएनए एसिडिक नेचर है, तो बोलता है इतना बड़ा डीएनए बट स्टिल वी कांट फाइंड इट विद द नेक्ड आईज. सो बोलता व्हाई, बिकॉज़ इट इज अ हाईली कॉइल्ड ऑन द प्रोटीन. प्रोटीन का बोलता नाम बताओ, कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन. ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पूछेगा कि हिस्टोन प्रोटीन की नेचर क्या है, ये एसिडिक है कि बेसिक है? इट इज ए बेसिक प्रोटीन. क्यों बेसिक प्रोटीन क्यों है? क्योंकि जो बेसिक प्रोटीन इसलिए है क्योंकि ये बनी ही बेसिक अमीनो एसिड से. बायोमोलिक्यूल में करे थे हमने, नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से टाइप के होते हैं, एरोमेटिक कंटेनिंग वाले अलग किए थे, बेसिक वाले अलग किए थे, जो वो बाकी अलग अलग हमने अमीनो एसिड किए थे. तो बेसिक अमीनो एसिड दो है, लाइसिन एज वेल एज आर्जिनिन. लाइसिन एंड आर्जिनिन आर बोथ बेसिक अमीनो एसिड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, एंड all the DNA is to be wrapped on a positive charge histone protein. It will, the continuously repeating of this nucleosome, it is called as a nucleosome aapas mein milke chromatin bana dete hain, chromatin milke aapas mein chromatin bana dete hain, when two chromatin will come close to each other with the nature of the sister chromatid, and they will attach at a connector for the process is formation of the formation of a one chromosome takes place. So ek chromosome ki form hai ye jo पैकेजिंग, इट इज हाईली क्वाइल. अगर ये दूसरी पैटर्न तो इट इज कॉल्ड एज यू क्रोमैटिन. अगर ये फॉर्मली अटैच्ड आपस में तो दिस इज कॉल्ड एज द हेट्रोक्रोमैटिन. यू क्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन के बीच में आपने जब एक बार गो थ्रू कर लेना इसमें से, तो डीएनए के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, माइलस्टोन्स. मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था माइलस्टोन के क्वेश्चन 8 में आने के चांसेस हैं.
तो व्हाट विल बी द क्वेश्चन रेज्ड, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसडक्शन माइलस्टोन अलग अलग दिए हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, रेप्लिजोम। तो आपको इस क्वेश्चन जो है इस तरह से आ सकता है कि हु हैज डिस्कवर्ड द बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो वाज गिवन, इट वाज गिवन बाय द ग्रिफ्थ, ये तो आपको पता ही है, इट वाज टू बी गिवन बाय द ग्रिफ्थ। बोलता हु हैज गिवन द बायोकेमिकल, हु हैज गिवन द बायोकेमिकल जो बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसने जो एक्सप्लेन की, तो आंसर वाज द एवरी मैक्यूर एंड मैकार्टी। बायोकेमिकल अगर क्वेश्चन आएगा एवरी मैक्योर मैकार्टी, दीज थ्री साइंटिस्ट हुज डिस्कवर्ड द बायोकेमिकल एविडेंसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट वाज और ट्रांसफॉर्मेशन में कौन से बैक्टीरिया को इसने कौन सी स्ट्रेन यूज की थी, द स्ट्रेन यूज इन द ट्रांसफॉर्मेशन वाज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। व्हाट इज द आंसर, स्ट्रेप्टोकोकस था कि या फिर स्टेफाइलोकोकस था। तो ट्रांसडक्शन में द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय बैक्टीरियोफेज वाला जिसमें उसने, तो आंसर इज हर्शे एंड चेस। इसका आंसर है हर्शे एंड चेस। किसके ऊपर करवाया, बैक्टीरियोफेज में ट्रांसडक्शन करवाया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए ग्रिफ्थ बायोकेमिकली एवरी मैक्यूर मैकार्टी। ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मेशन अगर ट्रांसफॉर्मेशन अकेले पूछता तो आंसर विल बी द ग्रिफ्थ, एंड बायोकेमिकली ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो एवरी मैक्यूर मैकार्टी। ट्रांसडक्शन तो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, एंड वॉटसन एंड क्रिक मॉडल किसने एक्सप्लेन किया, सॉरी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल किसने एक्सप्लेन किया, तो डेट आंसर इज द वॉटसन एंड क्रिक। माइलस्टोन और भी है इसके, एक और था हु हैज गिवन द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या था। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में ये था द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन वाज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, एंड दिस वाज टू बी एक्सप्लेन बाय द मिजेलसन एज वेल एज द स्टॉप। मिजेलसन एंड स्टॉप, इसमें क्या था कि पहला जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंड डीएनए है, वो रेप्लिकेट करता है, वो जल्दी को सेपरेट होता है, टू स्टैंड जो वापस में सेपरेट होते हैं, फिर वो सिंगल सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन टू न्यू जो स्टैंड्स आर फॉर्म्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्टैंड्स, एक लीडिंग स्टैंड बनता है, एक लैगिंग स्टैंड बनता है। जो लीडिंग और लैगिंग में वो बोलता है कि ब्लेंडिंग फर्स्ट वाले में जो बनती है, जो फर्स्ट जब रेप्लिकेशन होती है तो उसमें ब्लेंडिंग होती है, फिर एक आगे के केस में जब वो एक फुली न्यू बनता, दो जो फुली न्यू बन जाते हैं, दो जो वो हाइब्रिड होते हैं। एन 14 और एन 15 का क्या रोल है इसमें, तो ये आपने सेमी कंजर्वेटिव में भी जो वो एक्सप्लेन करवाना। तो डीएनए की ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इसमें आरएनए का रहता है, आरएनए हो गया क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इसमें, हमारी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है,
अब आरएनए भी आ गया, आरएनए की इफ वी टॉक अबाउट द आरएनए देन आरएनए विल बी आरएनए कर लेते हैं, आरएनए मोस्टली सिंगल स्टैंड में सिंगल स्टैंड होता है। इसमें क्या होता है, इफ यू कंसीडर अ डबल स्टैंड ऑफ द आरएनए देन द थायमिन विल बी रिप्लेस्ड विद द सेम नाइट्रोजन बेस वही है। शुगर इसमें शुगर का डिफरेंस होता है, नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस होता है। शुगर का डिफरेंस ये होता है डीएनए के बीच में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए के बीच में राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोस शुगर होती है। और इसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो AUGC होते हैं, यानी कि एडेनिन जो बाइंड करता है इसमें यूरेसिल के साथ करता है, यूरेसिल जो एडेनिन के साथ करता है, जी और सी एज इट इज जैसे पहले डीएनए। तो आरएनए जो है दो तरह का होता है, एक जो जेनेटिकली होता है दूसरा नॉन जेनेटिकली होता है। एक जेनेटिकली होता है और दूसरा नॉन जेनेटिकली होता है। जो जेनेटिकली आरएनए है मोस्टली किसका जेनेटिक, हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए है क्या के डीएनए है? हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल किनका होता है, किसका होता है, ये होता है मोस्टली वायरसेस का, ये वायरसेस का। नॉन जेनेटिक मटेरियल, नॉन जेनेटिक मटेरियल में आ जाते हैं लाइक mRNA, rRNA and tRNA, अदर नॉन जेनेटिकली भी होते हैं वो स्मॉल न्यूक्लियर RNA होते हैं एज वेल एज हेट्रोन्यूक्लियस hnRNA। इस क्वेश्चन ये आता है इसमें से कि आप मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम जो है वो कौन सी टाइप का आरएनए जो है वो जो नॉन जेनेटिकली फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। द आंसर इज 80% जो होता है वो जो है हमारा आरएनए होता है। द मैक्सिमम जो प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो आरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद mRNA इज द मैसेंजर आरएनए, आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, एंड tRNA इज द ट्रांसफर आरएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन इन द ट्रांसलेशन। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द mRNA तो mRNA की जो कंपोजिशन है वो 2-3% और 2-5% के बीच में होती है, 2-5%, 10-15% जो है वो टीआरएनए प्रेजेंट होता है। अब स्मॉल न्यूक्लियस आरएनए और एचएनआरएनए, एक्चुअली में एमआरएनए से पहले एचएनआरएनए बनता, तो इसी में इसका क्वेश्चन भी आता है कि हाउ एचएनआरएनए कैन बी कन्वर्टेड टू द एमआरएनए। एमआरएनए के बीच में सारे के सारे एक्सोन होते हैं, बट एचएनआरएनए के बीच में इंट्रॉन और एक्सोन दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, आरएनए हो गया। बाकी इसमें जो कोई डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिकली मोस्टली वायरसेस के बीच में प्रेजेंट होता है और नॉन जेनेटिकली, जेनेटिकली भी दो तरह का होता है। अगर डीएमपी की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है जेनेटिकली, इफ टॉप ओवर द जेनेटिकली नॉन जेनेटिक एमआरएनए आरएनए सीडीएनए होता है। जेनेटिक की बात करें अगर तो ये डबल स्टैंड, हाँ वायरसेस के मोस्ट के केस, मोस्टली जो वायरसेस के केस में जो है ये डबल स्टैंड होता है, बट सिंगल स्टैंड भी किसी की फॉर्म में होता है, वो विरॉयड और टीएमपी की फॉर्म है। वायरस जो है रियो वायरस जो है, रियो वायरस में ये सिंगल स्टैंड की फॉर्म में होता है, सॉरी डबल स्टैंड की फॉर्म है। डबल स्टैंड जेनेटिकली भी दो तरह का होता है, डबल स्टैंड होता है एक सिंगल स्टैंड होता है। सिंगल स्टैंड मोस्टली इन विरॉयड एज वेल एज टीएमपी के लिए भी सिंगल स्टैंड होता है। टोबैको मोज़ेक, टोबैको मोज़ेक
वायरसेस जेनेटिकली हो गया, नॉन जेनेटिकली हो गया, आरएनए हो गया 80% डीएनए, 10-15% एमआरएनए, 2-5% एसएनआरएनए, एचएनआरएनए टाइप्स ऑफ आरएनए हो गया। तो इसमें से आपके पैकेजिंग हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस इन सेमी कंसर्वेटिव मॉडल, अब आ गया अपना कि आपके जो मेजर टॉपिक द रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तीन टॉपिक आपके। पहला टॉपिक है रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोलता है, एक लेवल वन का क्वेश्चन इसमें से है, व्हाट इज अ रेप्ली ज़ोन। रेप्ली ज़ोन कंसिस्ट ऑफ, एक साइंटिस्ट था कॉर्नबॉल, एक इसके साथ इसका पार्टनर था एनके सिन्हा, एनके सिन्हा एज वेल एज द कॉर्नबॉल, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेशन दे दी कि रेप्लिकेशन में तीन जब एंजाइम है कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यू कैन कॉल इट एज द रेप्लिज़ोम, तो वो कौन से एंजाइम जब वो इकट्ठे होकर एक रेप्लिज़ोम बनाते हैं। देन आंसर विल बी द, इसमें होता है एक तो डीएनए पॉलीमरेज, उसमें होता है सेकंड होता है आरएनए प्राइमेज, और तीसरा है हेलिकेज। All of these form, ये जब लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रेप्लिज़ोम, गिवन बाय द और सजेस्टेड बाय द नेम द बाय एनके सिन्हा एज वेल एज द कॉर्नबॉग, एज वेल एज द कॉर्नबॉग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एप्लीकेशन में, व्हाट इज द रोल ऑफ द असेसमेंट, में क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ आपको, जब इसके क्वेश्चन फाइंड आउट कर देने हैं, एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के मैं क्वेश्चंस आपको फाइंड जो वो डिस्कस करूँगा। तो हु सबसे पहले एप्लीकेशन जो प्रोसीड करवाने के लिए सबसे पहले कौन से जो वो मेथड अप्रूव्ड हुआ, कंजर्वेटिव हुआ था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो वो एक्सप्लेन हुआ था अप्रूव्ड हुआ था, तो मोस्ट सक्सेसफुल मेथड दैट इज द एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्टेड एज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल गिवन बाय द मिसर्सन एंड द स्टॉल। रेप्लिकेशन में एसएसबी का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसएसबी, सिकल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, इसमें ये होता है ना, एसएसबी का रोल ये होता है इट विल प्रिवेंट द रिकॉइलिंग, ये रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करती है कि सो दैट द डीएनए विल नॉट बी गेट फर्दर कॉइल। जब जैसे ही हेलिकेज एंजाइम जब उसको डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है तो इसकी डीएनए बहुत ही ज़्यादा कॉइल होता है, जैसे ही अपने को रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो रेप्लिकेशन फॉर्क का डर होता है कि वो दोबारा जो सिंगल स्ट्रैंड बनाए हैं ये जो जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क बना है तो ये कहीं दोबारा रिकॉइल ना कर जाए, तो दोबारा यहाँ पे हम जब एसएसबी लगा देते हैं इट विल प्रिवेंट द रिकॉइलिंग, ठीक है। अब इनिशिएशन स्टेप तीन ही होते हैं, सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन है, सेकंड स्टेप है इलॉन्गेशन, थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। तो पहला स्टेप इनिशिएशन है, इनिशिएशन में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है पहले प्राइमर लगता है, इनिशिएशन में प्राइमर अटैच होता है, जब प्राइमर जब वो अटैच होता है प्राइमर की हमेशा जी ये जो स्पेसिफिकेशन होती है इट विल ऑलवेज बाइंड विद द प्राइमर, हमेशा ही 3-N के साथ लगता है और ऑलवेज मूव एंड इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम 3-5, खुद जो है वो 5-3 की ओर मूव करता है, और प्राइमर जब ये प्राइमर इसके साथ अटैच हो रहा था उसके बाद इसकी इलॉन्गेशन करवाने की जरूरत पड़ती है, तो कितने सारे पॉलीमर्स बनाने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, तो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर बनाने के लिए जब हमने डीएनए बनाया तो डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज तीन तरह के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसमें क्वेश्चन कौन सा यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, तीनों में से कौन सा जो पॉलीमरेज यूज होता है 3, तो 3 डीएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड और फॉर्मिंग द पॉलीमराइजेशन और फॉर्मिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड एज वेल एज द लैगिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए पॉलीमराइज में जो वो लीडिंग स्ट्रैंड बना देता है, फिर दूसरी साइड में जो वो डायरेक्शन जो ओपोजिट होने के कारण जो स्ट्रैंड बनता है वो
रिएक्शन ऑपोजिट होने के कारण जो स्टैंड बनता है वो लीडिंग स्टैंड नहीं होता, उसको लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। ये कॉन्टिन्यूसली स्टैंड होता है ये, जब वो डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड होता है, जब ये इस फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। तो लैगिंग स्टैंड जब ये कन्वर्ट हो गया, लीडिंग स्टैंड जब कन्वर्ट हो गया, लैगिंग स्टैंड जब बन गया, तो उसके बाद जो वो प्राइमर है वो प्राइमर रिमूव हो जाता है। प्राइमर रिमूव होने के बाद जब वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज एंजाइम जो वो लैगिंग स्टैंड को लीडिंग स्टैंड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये इसका साइज 200 से 400 साइज हो जाता है। तो रेप्लिकेशन का मतलब यही है, द साइज ऑफ द डीएनए विल बी गेट डबल, तो क्लोनिंग इज आल्सो कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। तो इन एप्लीकेशंस के जो कुछ क्वेश्चंस थे, तो ट्रांसक्रिप्शन बाकी का पार्ट मैं जब आपको सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स हो गया, लैक ऑफ रेगुलेशन होगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।